नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 29 जनवरी 2020, और यहां पर हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है, और आगे हमारा उसमें क्या लेवल निकल के आ सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले है एक्सिस बैंक का डेली का चार्ट है। देखिए एक्सिस बैंक, अब अगर इन सारी चीजों को आप यहां से हटा देना एक्सिस बैंक, तो आपको बिल्कुल एक रेंज में नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल इस रेंज में, यानी ऊपर ये जो हैंडल का रेंज बना हुआ है ना, जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे ना निकले हमें एक्सिस बैंक में कोई ट्रेड नहीं करना है। तो ऊपर की तरफ में अगर एक्सिस बैंक 765 जब तक ब्रेक नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है, तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना। 765 के ऊपर निकलेगा तो एक बहुत अच्छा टारगेट आपको देगा, 800 और 820 तक का जा सकता है। नीचे की साइड में अगर ये 700 को ब्रेक करता है तो फिर ये इस लोअर बॉटम को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि 660 तक का लेवल हो सकता है। जब तक इस रेंज में है तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन वापस जब तक ऊपर 98-97 की तरफ नहीं ब्रेक करे तब तक नहीं, और सबसे ज्यादा सेफ जगह इसका है तो 106 रुपए के ऊपर, 106 से 107। जैसा कि पहले भी मैंने बोला है कि जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करे 106 से 107 को, तब तक ब्रेक नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना। ऊपर जब तक इसके ऊपर 95-96 के ऊपर क्लोज ना कर दे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, हमें शॉर्टली कोई ट्रेड नहीं लेना। यानी लंबे समय के लिए ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर ज्यादा बेस्ट होगा, और अगर शॉर्टली कोई ट्रेड लेना है नियर शॉर्ट टर्म के लिए, तो ऊपर अगर एक बार क्लोज करता है 95 को, तो फिर हम लोग 100 के लिए टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया जब तक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक ना करे, ऊपर की साइड में कम से कम 70 का क्लोजिंग चाहिए, तो 75 का एक टारगेट दे सकता है। नीचे की साइड में अगर 64 ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे 60 तक के लेवल दिखा सकता है। केनरा बैंक, देखिए केनरा बैंक दोस्तों वीक हो गया, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, कर ही चुका है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है 200 राउंड फिगर में साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करता है 200 को, उम्मीद है 200 ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहाँ से इसको बाउंस लेना चाहिए। कल एक्सपायरी का भी डे है तो एक बाउंस, जितने शॉर्ट बने हैं यहाँ पे तो कवर आपको शॉर्ट कवर होता हुआ मिल सकता है, तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, तो इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को। डीसीबी बैंक, जैसा कि पिछले वीडियो में बोला था कि ये एक बार अपने लेवल जो 175 का, इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, आज फाइनली इसको टेस्ट कर लिया। अब देखिए कल इसमें एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक लेवल को इसने टेस्ट कर लिया है तो यहाँ से जो शॉर्ट हुआ है कवर होने की कोशिश करेगा, तो एक बार ये अपसाइड के मूवमेंट आपको दिखा सकता है, और उस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो आपको 180 तक का आ सकता है डीसीबी बैंक में। फेडरल बैंक 96-95 के ऊपर आसपास कहीं क्लोज है। अब देखिए वापस अब ये रेजिस्टेंस जोन बन गया इसका 96 का, 96 के ऊपर फिर से क्लोज करेगा तो 100 तक के टारगेट देगा, लेकिन अगर अभी आप लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया है तो 93 के पास कृपया स्टॉप लॉस को ला के रख लें, वो ज्यादा बेस्ट है वहां पर। एचडीएफसी बैंक अच्छा तरीके से अपना इस सपोर्ट प्राइस को होल्ड कर रहा है, यही इसका अंतिम सपोर्ट है। अगर यहाँ से ये नीचे की साइड, अब अगर इसने नीचे की साइड के लेवल को तोड़ा ना, तो सीधा सीधी ये आपको 1200 का लेवल दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है आप जब ध्यान से देखिए, ये पहले समझाने की कोशिश करता हूँ, ये पहले डाउन आया, फिर एक बार अप जाता है, फिर एक लंबा डाउन आता है, फिर ये अप गया है, तो हो सकता है अगर इस बार डाउन मारेगा तो लंबा डाउन मारेगा, लगभग 1200 तक का लेवल दिखा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अगर ये अपने हाई को 1240-42 को ब्रेक करे तब तो ठीक है, फिर 1255 का टारगेट हो सकता है, लेकिन अगर नीचे की साइड में 1220 को ब्रेक करता है तो सेल का पोजीशन बनेगा 1200 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में। तो इस पर नजर बना के रखिएगा एचडीएफसी बैंक। और अगला स्टॉक देख लेते हैं, सॉरी अगला स्टॉक है आईसीआईसी बैंक का। तो चलिए आईसीआईसी बैंक को भी देख लेते हैं, यही है इसका इस ट्रेंड लाइन के, इसको आप सीधा ऐसे घुमा सकते हैं आप इस तरह से, है ना, ये एक रेजिस्टेंस, ये भी बिल्कुल बॉक्स में आ गया, जैसे एक्सिस बैंक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, अब ये भी एक बॉक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके पास भी ये हाइट बन चुका है, ऊपर की साइड में 550 रुपए का राउंड फिगर में ले सकते हैं, 550 को अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर 560 का टारगेट देगा, नीचे की साइड में अगर ये 510 को ब्रेक करता है तो 500 तक का एक लेवल आपको दिखा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो जब भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फैंसी एडवाइजर से सलाह मशवरा करके जरूर बना सकते हैं। स्टॉक्स ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर अगर ये एक बार 45 के ऊपर क्लोज करे तो एक बार 52 तक का लेवल
दिखा सकता है। इंडियन बैंक जब तक 110 के ऊपर नहीं निकलेगा, कोई पोजिशन नहीं बनेगा, 110 के ऊपर निकलेगा तो 120 तक का टारगेट दे सकता है। नीचे की साइड में अगर ये 100 फिर से ब्रेक करता है तो वापस 96 वाले लेवल पे चला जाएगा। इंडसइंड बैंक कल इसमें आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यानी 1260 के पास जब अपने आप को होल्ड कर रहा है और यहाँ पर 2 दिन को होल्ड किया है, आप देखेंगे इस एक कैंडल के अंदर ही इसने कैंडल आज डेवलप किया, इसको ब्रेक नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि ये अब इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह से देख रहा है। ऊपर के लेवल अगर कल ये ऊपर के साइड में ब्रेक कर दे 1280 को, एक तेज बाउंस देखने को मिलेगा जो 1300 तक के लेवल आपको दिखा सकता है इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक अभी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये इसका रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक्स ने सारे चीज पैटर्न के हिसाब से ही होते हैं। देखिए यहाँ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, इसी का यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल आपको आता हुआ दिखेगा, तो कम से कम 1650 को एक बार ब्रेकआउट होता रहे कोटक बैंक में ना, तो फिर हम अपसाइड के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि ऊपर 1685 तक जा सकता है। पीएनबी में अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ये कमजोर हो चुका है, थोड़ा स्टैंड लाइन के नीचे 62 के ऊपर क्लोज करे, यानी कि स्टैंड लाइन के ऊपर में इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए तो फिर हम थोड़ा सा मूवमेंट समझ सकते हैं। अदरवाइज अभी ये बिल्कुल स्टैंड लाइन को देखिए बहुत क्रूशियल लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसके पास अगर ये ब्रेक करता है 60 को नीचे क्लोज करेगा तो सीधा 56 का लेवल दिखा सकता है। आरबीएल बैंक नो ट्रेडिंग जोन में, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, जिन लोगों ने पोजीशन बनाया कृपया 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इस ट्रेंड लाइन का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको ये ब्रेक कर चुका है। यस बैंक नो ट्रेडिंग जोन, इससे दूर रहने का मेरा अपना व्यू है क्योंकि ये टेक्निकल चलता नहीं, सिर्फ न्यूज पे चलेगा। यूनियन बैंक कमजोर है, 48 तक के लेवल आपको दिखा सकता है, अगर इसके नीचे ये 50 लेवल 51 के नीचे क्लोज नहीं करा, अगर क्लोज कर देगा तो और वीक हो जाएगा, 48 का फिर लेवल दिखा सकता है। SBI 4 से 5 दिन हो गए ये कहीं नहीं जा रहा है इस लेवल को, अगर ये 310 को जिस दिन भी ब्रेक करेगा तेज डाउनफॉल दिखाएगा, सीधे 290 का लेवल दिखाएगा, इसलिए नजर बना करके कल अगर ये ऊपर 320 को ब्रेक करता है तो एक टारगेट आपको 330 का दिखाएगा, लेकिन 310 को ब्रेक करेगा तो 300 तक का भी लेवल SBI दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।